हेलो स्टूडेंट्स, खुशी जैन योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश हैज ऑल फोर साइड्स इक्वल। आपको बताना है ऐसी कौन सी शेप है जिसकी फोर साइड, सारी फोर साइड्स इक्वल होती हैं। तो वो कौन सी शेप है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर। A square has all four sides equal. A line segment dash be extended. Line segment को हम extend कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? No. A line segment cannot be extended. Line segment को हम extend नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे blanks fill करेंगे। Introduction से start करते हैं। Geometry is the study of sets of points. When beginning any field of study, You must pay special attention to the meanings of the words you use. When defining words, you must express them in terms of simpler words whose meanings you already know. This means that you must begin with a few simple words that remain undefined but whole meanings are nevertheless understood. These terms serve as the basis for defining other geometrical terms. Let's introduce with some terms one by one. ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री एक स्टडी है सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब काफी सारे पॉइंट्स मिलके जो उनका एक सेट बनता है उनको स्टडी करना ज्योमेट्री कहलाता है। हम जब भी किसी फील्ड की, किसी भी टॉपिक की हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, उन पॉइंट्स का क्या मतलब है, उनका हमें मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए जिससे हम उस टॉपिक को, उस फील्ड ऑफ स्टडी को हम अच्छे से समझ पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स के मीनिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल और बाय अ टिप ऑफ पेन इज कॉल्ड पॉइंट। इट हैज नो डायमेंशंस, नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। अ पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, फॉर एग्जाम्पल पी, क्यू, ए, डी एक्सेट्रा। एक स्मॉल डॉट जिसको आप एकदम शार्प पेंसिल से या टिप ऑफ द पेन से आप एक स्मॉल डॉट जो बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, ना इसमें लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है एंड ना ही कोई थिकनेस होती है। पॉइंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने, इन्होंने लिख के दिखाया हमें पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं। हमने कैपिटल लेटर पी यूज कर सकते हैं, क्यू, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड कुछ भी हम यूज कर सकते हैं पॉइंट को डिनोट करने। नेक्स्ट लाइन क्या होता है? अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस। इट हैज ओनली लेंथ एंड नो विड्थ। इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। अ लाइन कैन बी डिनोटेड बाय पी क्यू एम एन और बाय स्मॉल लेटर एल। लाइन क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स जिनको हम ज्वाइन करते हैं और जो दोनों ही डायरेक्शन, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी, एंडलेसली एक्सटेंड हो सकते हैं, उनको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो क्या होती है, लाइन कहलाती है। इसकी कोई लेंथ नहीं है फिक्स्ड और ना ही इसकी कोई विड्थ होती है, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक लाइन गिवन है पी क्यू, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम लिखेंगे पी क्यू एंड देन इसको डिनोट करने के लिए हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के दोनों साइड हम एरो ड्रॉ करेंगे। तो ये सिंबलाइज करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इस लाइन को दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। या फिर इसको डिनोट करने का एक दूसरा तरीका है कि हम इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा इस तरीके से लाइन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन कौन कौन से तरीके होती है। फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन दैट हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दो लाइन्स जिनमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होता है उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिख रहा है ये दो लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, तो सिर्फ इनमें एक ही पॉइंट कॉमन है। कौन सा पॉइंट कॉमन है? ओ। लाइन्स ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। ऐसे यहाँ पे हमें दिख रहा है इसमें भी ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स फ्रॉम आर सराउंडिंग्स आर, अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स के, क्रॉसिंग रोड्स, जब रोड्स क्रॉस कर रही होती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर एक्स भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइन्स क्या होते हैं। थ्री और मोर लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी पी क्यू एंड आर एस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ओ
So these lines are called concurrent lines, and point O is called point of concurrency. जब थ्री या थ्री से ज्यादा लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं. तो ये सब क्या कहलाती है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. यहाँ पे हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हमें दिख रहा है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये सब एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे. ये क्या है? पॉइंट ओ हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएगा, और ये सारी लाइंस हमारी कॉन्करेंट लाइंस होगी. नेक्स्ट पैरेलल लाइंस. द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ऑल हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. इन पैरेलल लाइंस द पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज द सेम एवरीवेयर. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है. आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर लो वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों लाइंस के बीच, वो हमेशा सेम रहता है, हर पॉइंट पे सेम होगा. तो द डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दो पैरेलल लाइंस के बीच. इन द अबव फिगर द लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी पैरेलल टू सी डी. Here both the lines do not meet, however, they are produced far in either direction. Some examples of parallel lines from our surroundings. So, ये जो हमें figure given है, इसमें AB और CD कैसे हैं? ये parallel lines हैं. अब इनको कैसे represent करते हैं? हम लिखते हैं AB, CD, and इनके बीच में हम ये two vertical lines draw करते हैं इस तरीके से, जो parallel का symbol होता है. तो यहाँ पे इन दोनों lines को हमने कितना भी extend कर लिया, ये meet ही नहीं करेंगे. तो ये parallel line. पैरेलल लाइंस के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है रेलवे ट्रैक, अपोजिट एजेस ऑफ टेबल, जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइंस. टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर सेट टू बी परपेंडिकुलर लाइंस इफ दे फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर. द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस इज दिस. दो लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस तब बोलते हैं जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, और ये परपेंडिकुलर लाइंस का सिंबल होता है. यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, इसमें पी क्यू परपेंडिकुलर है आर एस के, आर एस परपेंडिकुलर है पी क्यू के, क्योंकि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस. अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होंगे? क्रॉस या फिर स्केल. में एडजेसेंट एजेस एंड स्केल की ए डी परपेंडिकुलर है डी सी के, या ए बी परपेंडिकुलर टू ए डी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सो ऑन. नेक्स्ट लाइन सेगमेंट. A line segment is a fixed portion of a line. This makes it possible to measure a line segment. This measure of each line segment is a unique number called its length. Line segment क्या होते हैं? Line का एक fixed portion line segment कहला. इससे क्या होता है? हम उसको measure कर सकते हैं. उसकी एक fixed length होती है. तो इसका जो measurement होता है, वो एक unique number होता है जिसको हम length बोलते हैं. तो इसके कुछ real life examples हैं. फॉर एग्जाम्पल ये पेपर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है. इसकी ये लेंथ एंड ब्रेथ ये क्या है? लाइन सेगमेंट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ऐसे बुक है, बुक के लाइन सेगमेंट है ये लेंथ ब्रेथ हाइट थिकनेस, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रे. अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. इट हैज वन एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली. इट इज डिनोटेड बाय ए बी और पी क्यू एंड पॉइंट एंड वन अदर पॉइंट. Some examples of rays from our surroundings are, अब ray क्या है? Ray भी line का part है, जिसमें एक end point होता है और दूसरी direction में उसको हम कितना भी extend कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास ray है AB and PQ. इसको कैसे denote करते हैं? हम AB लिखेंगे, उसके ऊपर एक line draw करेंगे और एक direction में हम arrow draw करेंगे. इसके कुछ real life examples हैं, torch rays, sun rays. For example, torch ray की बात करें तो अब ये start कहाँ से हो रही है? ये हमें पता है, यहाँ से start हो रही है. तो एक एंड पॉइंट है, बट दूसरी डायरेक्शन में ये कहां तक जा रही है वो हमें नहीं पता, इसका एंड पॉइंट नहीं है. तो ये रे का एग्जांपल है. नेक्स्ट, व्हाट इज प्लेन? अ प्लेन इज डिफाइंड एज अ स्मूथ फ्लैट सरफेस व्हिच एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस. इट इज आल्सो नोन एज अ 2D सरफेस. द टॉप ऑफ अ टेबल, ब्लैकबोर्ड, फ्लोर ऑफ रूम एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ प्लेन. अ प्लेन हैज इनफाइनाइट विड्थ and length but zero thickness. It has no boundaries. A plane is commonly named by taking three or more points on it,
which are not the same line. For example, place x, y, z shown in figure. Plane क्या है? Plane एक smooth flat surface है जिसको हम हर direction में कितना भी extend कर सकते हैं, infinitely extend कर सकते हैं. इसको हम 2D surface भी बोलते हैं. For example, table top, blackboard, floor, ये सब क्या है? ये सब plane के examples हैं. Plane की infinite width होती है क्योंकि हम इसको कितना भी extend कर सकते हैं, infinite width है, infinite length है और कोई भी thickness नहीं होती है, zero thickness. कोई boundaries नहीं होती है इसकी. तो हम प्लेन को कैसे ले सकते हैं? कॉमनली हम दो तीन पॉइंट्स ले तो वो क्या बन जाएगा? हमारा प्लेन बन जाएगा. बट वो दोनों तीनों पॉइंट जितने भी हम पॉइंट्स लेंगे वो सेम लाइन पे लाई नहीं करने चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन पॉइंट्स लिए हमने और तीनों सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक प्लेन का एग्जाम्पल. नाउ अब हम डिफरेंस देख लेते हैं लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. लाइन की बात करें तो इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ. लाइन की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है और रे की भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती. लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होते हैं एंड रे में वन एंड पॉइंट होता है. इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट. लाइन को हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको बस हम रिप्रेजेंट करते हैं. लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं पेपर में और रे को भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर पे, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रे को रिप्रेजेंट करते हैं. ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट द सेम लाइन. अब ए बी लिखे या बी ए लिखे लाइन के लिए सेम है. ए बी एंड बी ए रिप्रेजेंट द सेम लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के लिए भी ए बी एंड बी ए का सेम ही मीनिंग होता है. बट रेज की बात करें तो ए बी एंड बी ए टू डिफरेंट रेज कंसिडर होती हैं, तो ये डिफरेंट. नेक्स्ट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट. Three or more points in a plane are said to be collinear if they lie on the same line. Three या three से ज्यादा points को collinear कब बोलते हैं? जब वो same line पे lie करते हैं. In the above figure, P, Q, R, S and T are collinear points. ये collinear points हैं क्योंकि ये सब same line पे lie कर रहे हैं. Points not lying on the same line are called non-collinear points. अब वो points जो same line पे lie नहीं कर रहे हैं उनको हम collinear points बोलते हैं. हम कुछ examples देखते हैं. इन द गिवन फिगर नेम. अब यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है, इसको देख के हमें क्या नेम करने है? हमें फाइव पॉइंट्स बताने. फाइव पॉइंट्स हमने बताए ओ सी डी ए एंड बी. हमें लाइन बतानी है. लाइन के लिए काफी सारे आंसर्स हो सकते हैं. इसमें कुछ आंसर्स हैं ए बी ए ओ ए सी बी ओ एक्सेट्रा. फोर रेज बतानी है. तो रेज क्या क्या है? ए सी बी ए ओ सी ओ बी बी सी एंड एक्सेट्रा. फाइव लाइन सेगमेंट ए बी A O B O O C etc. Look at the given figure and answer the following questions. अब हमें फिगर को देख के इन क्वेश्चन के आंसर करने. Name the line containing point A. ऐसी लाइन का नेम आपको बताना है जिसमें पॉइंट ए लाई करे. तो इसके भी काफी सारे आंसर पॉसिबल है. एक आंसर उसमें से क्या है? A E. Name the line on which O lies. ऐसी लाइन जिसपे O लाई करती है, तो क्या है? C O या O C. Which line passing through A? कौन सी लाइन है जो ए से पास हो रही है? इसके काफी सारे आंसर्स पॉसिबल हैं. एक उनमें से है ए ई. नेम द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन सी है यहाँ पे? ए ई इज पैरेलल टू जी एच. टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है यहाँ पे सी ओ ए ई एंड ए ई डी एफ. तो ये सब क्या थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. डिफाइन द फॉलोइंग विद टू एग्जांपल्स. तो अब आपको क्या करना है? इनको डिफाइन करना है और इनके कुछ एग्जांपल्स देना. आप लाइन क्या होता है ये डिफाइन करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है ये सब आप डिफाइन करेंगे और इनके एग्जांपल्स. नेम द पॉइंट्स शोन इन द फिगर्स गिवन बिलो एंड जॉइन देम बाय ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स. गिव द नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पॉसिबल थ्रू टू जॉइन द पॉइंट्स. तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, इनको हमें ज्वाइन करना है. जितने भी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हो सकती है ज्वाइन करेंगे और फिर पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन्स हम बताएंगे कि कितने से पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फिगर हम देख रहे हैं, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. तो हमने इस तरीके से ये ज्वाइन किया, नेक्स्ट ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये ज्वाइन कर सकते हैं. ये थ्री लाइंस यहाँ पे ये ज्वाइन हुई हैं. थ्री डॉट्स हमने थ्री पॉइंट्स ज्वाइन करे और थ्री लाइंस बने. नेक्स्ट फिगर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये डायगनल्स भी ज्वाइन हो सकते हैं. तो यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबल ज्वाइंस हुए? यहाँ पे सिक्स लाइंस ड्रॉ हुई हैं. इस तरीके से आप ये इनको कंप्लीट करेंगे.
लुक एट द गिवन फिगर एंड राइट द नेम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स. अभी फिगर को देख के आपको सारी लाइन सेगमेंट्स का नेम लिख, क्या क्या लाइन सेगमेंट्स है यहाँ पे. लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ए ई. यहाँ पे फाइव लाइन सेगमेंट्स है और हमने फाइव लाइन सेगमेंट्स का यहाँ पे लिख. लुक एट द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग. अब फिगर को देख के हमें इन सारी चीजों को बताना है, हमें लाइंस बतानी है. लाइंस कौन कौन सी लाइंस हमें दिख रही है. लाइन है यहाँ पे सी डी, सी डी एक लाइन है. तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये बताएंगे, सारी लाइंस बताएंगे. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स कितनी है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट्स बताएंगे. ओ एफ, काफी सारे लाइन सेगमेंट्स पॉसिबल हैं, तो आप लाइन सेगमेंट ओ जी इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट. इस तरीके से सारे लाइन सेगमेंट्स लिखेंगे. नेक्स्ट इज रेज. अब रेज बताएंगे, रेज के नेम लिखेंगे. रेज बहुत सारी रेज हैं यहाँ पे, आप सारे रेज लिखेंगे. ओ ए इज अ रे, देन उसके बाद ओ बी भी एक रे है, ओ ई इज ऑल्सो अ रे, और भी रेज हैं आप यहाँ पे सारी लिखेंगे. इसी तरीके से कोलिनियर पॉइंट्स बताएंगे. आइडेंटिफाई विच ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स. अब आपको बताना है इनमें से कौन सी पैरेलल लाइन्स है. पैरेलल लाइंस होती हैं जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते और उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है हमेशा सेम रहता है हर पॉइंट पे. हमें दिख रहा है यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ कम है, यहाँ पे और बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे और इंक्रीज हो रहा है. ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये पैरेलल लाइंस हैं. अगेन ये पैरेलल लाइंस है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन. इस तरीके से ही बताएंगे. इन द गिवन फिगर नेम. अब इस फिगर में आपको नेम करना है, प्लेन्स बताना है आपको, देन ऑल पॉइंट्स बताना है. प्लेन हमने पढ़ा, प्लेन क्या होंगे, थ्री पॉइंट्स से प्लेन बन सकता है बट वो सेम लाइन पे लाइन नहीं करने चाहिए. तो प्लेन क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, प्लेन हो सकता है हमारे पास ए सी जी, देन एच डी ए, इस तरीके से और भी प्लेन्स हो सकते हैं वो बताएंगे. आप सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, पॉइंट्स कौन कौन से यहाँ पे ए बी सी डी, सारे पॉइंट्स लिखेंगे. तो इस तरीके से इनका आंसर करेंगे. ऑब्जर्व द फिगर गिवन हेयर एंड नेम द फॉलोइंग. तो आपको क्या करना है, इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और आपको इनके नेम्स लिखना है. आपको कॉन्करेंट लाइन्स बतानी है, पैरेलल लाइन्स बतानी है. फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइन्स हमें यहाँ पे दिख रही है कौन सी है, ए बी पैरेलल है ई एफ के. तो इस तरीके से पैरेलल लाइन्स बताएंगे. इंटरसेक्टिंग लाइन्स बतानी है, इंटरसेक्टिंग लाइन हमें बतानी है. देन परपेंडिकुलर लाइन बतानी है. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं ए बी perpendicular to AE, इन सब का आंसर करेंगे. नेक्स्ट अब हम कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं. द फिगर दैट आर फॉर्म्ड व्हेन वी ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग आर पेंसिल और विदाउट अ पर्टिकुलर मेजरमेंट आर नोन एज कर्व्स. गिवन फिगर शो सम एग्जांपल्स ऑफ कर्व्स. तो अब वो फिगर जो कैसे फॉर्म होती है, जब हम अपनी पेंसिल से कुछ ड्रॉ करना शुरू करते हैं बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट के, जब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं अपनी पेंसिल से बिना उसको लिफ्ट करें, हम जो भी शेप ड्रॉ कर देंगे वो क्या होगा, एक कर्व कहलाएगा. तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है कर्व के. ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व क्या होता है. द कर्व्स दैट डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड ओपन कर्व्स. अब वो कर्व जो सेम पॉइंट जहाँ से बिगिन हो रहे हैं वहीं पे एंड नहीं होते हैं, उनको हम ओपन कर्व बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कुछ ये फिगर्स गिवन है, ये क्या है, ये ओपन कर्व के एग्जाम्पल है. अब वो कर्व्स जो सेम पॉइंट से बिगिन होते हैं और उसी पॉइंट पे एंड होते हैं वो हमारे क्लोज्ड कर्व्स कहलाते हैं. तो ये हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अ सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट इटसेल्फ. अ नॉन सिंपल कर्व क्रॉस इटसेल्फ. तो सिंपल कर्व क्या होता है, जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता है कहीं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल कर्व के, सिंपल क्लोज्ड कर्व के. नाउ कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व क्या होता है, वो कर्व्स जो क्रॉस करते हैं खुद को या इंटरसेक्ट कर लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कर्व्स कहलाते हैं. हमें यहाँ पे कुछ फिगर के बने कॉम्प्लेक्स कर्व. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व हैज अ बाउंड्री. सिंपल क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री होती है और इस बाउंड्री की वजह से कर्व के थ्री पार्ट्स होते हैं, इनसाइड या इंटीरियर ऑफ द कर्व, कर्व के अंदर का पार्ट जिसको हम इनसाइड या इंटीरियर बोलते हैं, एक उसकी बाउंड्री होती है और एक उसके आउटसाइड या एक्सटीरियर ऑफ द कर्व. यहाँ पे हमें ये फिगर गिवन है,
इसमें जो ये शेडेड पोर्शन है वो इंटीरियर है कर्व का, ऑन द विच द पॉइंट जिसपे ए बी और सी लाई कर रहे हैं। बाउंड्री क्या है जहां पे डी ई एंड एफ लाई कर रहे हैं, और एक्सटीरियर है जहां पे एच जी एंड आई लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन हैज थ्री और मोर साइड्स। पॉलीगन की थ्री या थ्री से ज्यादा साइड्स होती हैं। पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स दैट इज थ्री इज अ ट्रायंगल। कम से कम पॉलीगन की कितनी साइड्स हो सकती हैं? थ्री हो सकती हैं, और वो क्या होता है? वो ट्रायंगल होता है। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है पॉलीगन के, और हमें नंबर ऑफ साइड्स उनकी गिवन है, और उनको क्या नेम दिया हुआ है वो हमें गिवन है। अगर थ्री साइड्स होती हैं उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, फोर साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन मींस फाइव साइड्स, हेक्सागन मींस सिक्स साइड्स एंड हेप्टागन मींस सेवन साइड्स, और यहाँ पे हमें इनकी फिगर गिवन है। Now, sides, vertices and diagonals के बारे में पढ़ते हैं। Sides, line segments forming a polygon are called its sides. वो line segments जिनसे polygon बनता है, जिनसे polygon form होता है, उन्हें हम sides बोलते हैं। तो इस figure में sides क्या है polygon की? AB, BC, CD, DEA and EA. Vertices क्या होती हैं? The meeting point of a pair of sides is called a vertex. दो sides जहाँ पे meet करती हैं जिस point पे, उसको हम vertex बोलते हैं। इस फिगर में ए ई एंड ई डी मीट कर रही हैं ई पे। ई क्या होगा? इस पॉलीगन का एक वर्टेक्स होगा। यहाँ पे और भी वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी, ये इसके कुछ और वर्टिसेस। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन आर इक्वल, अगर पॉलीगन के सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। नेक्स्ट इज कर्वी लीनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज। पहले कर्वी लीनियर के बारे में पढ़ते हैं। Curvilinear means curved lines. Curvilinear का मतलब क्या है? Curved lines. So if a boundary of a figure is made only of curved lines, अगर किसी figure की boundary सिर्फ curved lines से बनी है, हम curvilinear boundary बोलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ figure given है इसकी। Now linear boundary क्या होती है? Linear का मतलब क्या है? Straight line. तो अगर किसी figure की boundary सिर्फ line segment से बनी है, उसको हम linear boundary बोलते हैं। ये कुछ figures हैं linear boundary की। Questions करते हैं। Classify the following curves as open curves, simple closed curves and complex closed curves. तो हमें बताना है कि ये open curve है, closed curve है, या और अगर closed है तो simple closed curve है या complex closed curve है. तो first हमें दिख रहा है ये कैसा है, ये closed curve है, और closed में भी ये complex closed curve है, क्योंकि ये इसकी जो line segments है वो intersect कर रही है, ये complex है. This is also a complex curve. ये open curve है. And again, this is an open curve. Which of the following figures are simple closed curve? तो अब आपको बताना है इनमें से कौन से simple closed curve हैं? यहाँ पे देखते हैं simple closed curve कौन से इनमें से? ये एक simple closed curve है क्योंकि ये कहीं भी intersect नहीं कर रहा है, खुद को cross नहीं कर रहा है. And again, this is also a simple closed curve. तो इस तरीके से आप ये बताएंगे. Draw two. अब आपको draw करने हैं open curve draw करेंगे, closed curve draw करेंगे and simple closed curve draw करेंगे. Which of the following are polygons? अब इनमें से कौन से polygons हैं ये आप बताएंगे. Polygons कौन कौन से हैं इनमें से? ये भी एक polygon है, triangle एक polygon है, then this is also a polygon, this is also a polygon. इस तरीके से आप बताएंगे कि कौन से polygon है. अब ये circle है, इसमें कोई line segment नहीं है, तो ये polygon नहीं है. तो ऐसे आप identify करेंगे. Write the names of each of the following polygons. अब आपको इन polygons के name लिखने हैं. हमें दिख रहा है ये फर्स्ट पॉलीगन जो है, इसकी थ्री साइड्स हैं. थ्री साइड्स के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं. तो दिस इज अ ट्रायंगल. नेक्स्ट हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स साइड्स हैं. तो ये क्या है? ये दिस इज अ हेक्सागन. इस तरीके से इन पॉलीगन्स के आपको नेम बताने हैं. राइट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर. तो अब इन फिगर का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स आपको बताने हैं. तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो गए हैं इसके? A, E, D, C, F, ये सारे क्या है? इंटीरियर पॉइंट्स हैं. एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या है? T, R, S, T, Q. इस तरीके से आप बताएंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट. नेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द पॉइंट्स विच आर. अब इन फिगर में आपको क्या बताना है? वो पॉइंट्स जो इंटीरियर में है इस फिगर के, जो एक्सटीरियर में और जो बाउंड्री में. तो आप इनके इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट्स बताएंगे. नेक्स्ट एंगल्स की बात करते हैं. An angle is formed when two rays meet at a common point called a vertex.
Each of these rays is called an arm of the angle. An angle is represented by the symbol this. तो एंगल क्या है, जब दो रेज मीट करते हैं कॉमन पॉइंट पे, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. तो ये रेज क्या बनती हैं, इन रेज को हम एंगल की आर्म बोलते हैं, और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल. यहाँ पे क्यू आर और क्यू पी मीट करी है वर्टेक्स क्यू पे, एक एंगल पी क्यू आर बनाने के लिए, जिसको हम ऐसे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर या फिर आर क्यू पी, या हम सिंपली एंगल क्यू भी लिख सकते हैं. तो ये कैसे बने, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन सेगमेंट से बना है. इंटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है, जो स्पेस एंगल के आर्म्स के बीच में जो स्पेस होती है, जिसको जिन आर्म्स को हम कितना भी इनडेफिनेटली हम एक्सटेंड कर लें, तो वो जो स्पेस होती है वो क्या होती है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल. यहाँ पे पॉइंट्स पी क्यू आर क्या कहलाएंगे, कि ये एंगल के इंटीरियर में है. एक्सटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है, आर्म्स के आउटसाइड का स्पेस क्या कहलाता है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल कहलाता है. यहाँ पे पॉइंट्स ए बी सी क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है. एंगल्स एज रोटेशन ऑफ अ रे, एन एंगल कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब्ड बाय रोटेटिंग अ रे. एंगल को हम कैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, रे को रोटेट करके. लेट देयर बी अ रे ओ पी विद इनिशियल पॉइंट ओ. अब यहाँ पे एक रे है ओ पी, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ. सपोज वी रोटेट इट एंड ऑक्यूपाइज द फाइनल पोजिशन ओ क्यू. हमने इसको रोटेट किया और फाइनल पोजिशन क्या मिली, ओ क्यू. तो हम बोलेंगे पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू को हमने डिस्क्राइब किया है रोटेट करके वर्टेक्स ओ के. मैग्नीट्यूड क्या होता है एंगल का, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितने अमाउंट से हमने उसको रोटेट किया है, किसी एक आर्म को जितने अमाउंट से हमने उसको रोटेट किया है, वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव टू एंगल्स प्लेन में. उनको एडजेसेंट कब बोलते हैं, अगर उनमें कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, या फिर द अदर टू नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, या फिर जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट साइड्स हैं कॉमन आर्म. इस फिगर में पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है और कॉमन आर्म ओ क्यू है, और बाकी के दो आर्म्स ओ पी एंड ओ क्यू क्या है, अपोजिट साइड्स हैं कॉमन आर्म ओ क्यू. लीनियर पेयर, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, then that pair is known as linear pair. अगर दो adjacent angles का sum 180 degree होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, linear pair बोलते हैं. इस figure में angle AOC and angle BOC linear pair form करें, क्योंकि इनका sum क्या है, 180 degree. Name the angles in the given figure. अब इस figure में angles के name हमें बताने हैं, कौन कौन से angles हैं, angle ABC, angle BCA and angle CAB. इस figure में हमें इन points को बताने हैं. In the interior of angle DOE, डी ओ ई के इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड जी. एक्सटीरियर में कौन से हैं, ई ओ एफ के एंगल, ई ओ एफ के एक्सटीरियर वाले पॉइंट्स हैं ए जी एंड डी. ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं, ई बी ओ एंड एफ. नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग एंगल्स. अब हमें यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है, इनके हमें एंगल्स का नेम बताओ. फर्स्ट फिगर में हमें दिख रहा है इसका नेम क्या है, एंगल एन ओ पी, या इसको आप एंगल पी ओ एन भी बोल सकते. नेक्स्ट इज एंगल एम ओ आर और एंगल आर ओ एम. इन फिगर गिवन अलोंग साइड राइट द अदर नेम ऑफ दीज एंगल. अब ये तो हमें फिगर गिवन है, इसमें हमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग एंगल्स के नेम गिवन है, हमें इनका दूसरे तरीके से नेम लिखना है. एंगल वन को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एन और एंगल एन ओ क्यू. ऐसे एंगल टू को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ पी और एंगल पी ओ क्यू. ऐसे आप इनको लिखेंगे. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग फिगर्स, राइट द नेम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आल्सो. तो आपको बताने कितने एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं इस फिगर में, और एडजेसेंट एंगल के नेम भी आपको यहाँ पे लिखने हैं. तो हम यहाँ देखते हैं कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये पूरा काउंट, दिस इज 6. तो टोटल 6 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और एडजेसेंट एंगल्स के नेम लिखने हैं. एडजेसेंट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, एंगल डी ओ सी एंड एंगल सी ओ बी. और क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स, हो जाएंगे एंगल सी ओ बी एंड एंगल बी ओ ए. इस तरीके से आप एडजेसेंट एंगल्स के नेम लिखेंगे. राइट द नेम्स ऑफ वर्टेक्स आर्म्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. तो आपको इनकी वर्टेक्स आर्म और एंगल के नेम लिखने हैं.
यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हमारे पास फिगर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज ओ, ओ हमारा वर्टेक्स है क्योंकि जो आर्म्स है ओ ए एंड ओ बी दोनों कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं, तो वर्टेक्स क्या है यहाँ पे ओ है। आर्म्स के नेम क्या है, आर्म्स है हमारे पास ओ ए एंड ओ बी, और एंगल के नेम हमें लिखना है, एंगल कौन सा है ये 90 डिग्री से एक्सटीड कर रहा है, एक्सटीड कर रहा है एंगल, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरीके से आपको लिखना है। Which of the following angles form adjacent angles and linear pair? तो आपको बताना है इनमें से कौन से एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म करते हैं एंड लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ हम इसको देखेंगे, तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, अगर हम इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये हमारे हैं एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ये कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं। लीनियर पेयर की बात करें तो यहाँ पे ये हमें लीनियर पेयर दिख रहा है, ये लीनियर पेयर है क्योंकि ये 180 डिग्री फॉर्म करेगा इसका सम, एंगल सी ओ ए एंड एंगल ए ओ बी, इस तरीके से आपको बताना है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।